सबसे पहली चीज द का यूज हम उस चीज के लिए कर सकते हैं जिसे हम पहले से जानते हैं। उन सारी चीजों के लिए कह सकते हैं जिनके बारे में हमें पहले से जानकारी होती है, उन सब के लिए हम द का यूज कर सकते हैं। तो आइए वन बाय वन करके देखते हैं। सबसे पहले देखिए द का यूज लिखा हुआ है, वी यूज द टू रिफर टू अ पर्टिकुलर पर्सन और मैन होते हैं। वही चीज देखिए जो भी बताए कोई एक पर्टिकुलर पर्सन हो, कोई खास पर्सन, खास का लोग जब हम उसे जानते हो, कोई खास प्लेयर का हो जिसे हम जानते हो, कोई खास थिंग क्या हो जिसे हम जानते हैं, तो इसी पर्टिकुलर पर्सन जैसे थिंग के साथ द का यूज किया जाता है। जैसे पहला सेंटेंस है द वॉच आई वॉच हैज बीन लॉस्ट, यहाँ पर वॉच के साथ द का यूज किया गया है। क्यों वॉच के साथ द का यूज किया गया है? क्यों? क्योंकि इस वॉच के बारे में हमें पहले से नॉलेज है। कैसे पता चलता है कि हमें पहले से नॉलेज है? क्योंकि इस वॉच को मैं खरीदा था और खरीदने के बाद क्या हुई वो मुझे, तो जाहिर बात जब खरीदा था तो मुझे उस वॉच के बारे में नॉलेज हो चुकी है और वो उस वॉच के बारे में बताया जा रहा है कि वो गुम हो चुकी है। इसी वजह से वॉच के साथ क्या लगा है द। अगला सेंटेंस है द हाउस विद द मार्बल गेट इज आर्स, यहाँ कह रहा है कि जो घर जिस घर पर मार्बल लगा हुआ है वो हमारा है। तो यहाँ पर घर की बात कर रहा है, तो घर जब उसका है तो जाहिर सी बात है उसे पहले से उस घर के बारे में नॉलेज है, इसी वजह से द हाउस का यूज किया गया। तो ये हम किसी पार्टिकुलर पर्सन या प्लेस के बारे में यूज करते हैं। अब अगला यूज है हम किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ जब द का यूज करते हैं तो वो पूरे क्लास को दिखाता है। जैसे ये लिखा हुआ है द काउ इज यूजफुल एनिमल, यहाँ पर आप देख सकते हैं काउ आपका सिंगुलर नाउन है और इससे पहले द लगा हुआ है, तो जब द काउ हो जाएगा तो द काउ मतलब काउ की पूरी क्लास आ जाएगी, यानी जितने भी काउ है सारे काउ की बात हो रही है कि सब जो गाय होती है वो कैसी है, यूजफुल एनिमल है, कितनी एनिमल है, हमें बहुत काम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी किसी सिंगुलर नाउन के साथ यूज होता है ये पूरी क्लास को दिखाया जाता है, सभी नाउन सभी काउ की बात कर रहा है। इसी तरह से दूसरा जैसे द डॉग लगा हुआ है तो इसमें जो बात होगी वो सभी कुत्तों की बात होगी, सभी कुत्ते कैसे होते हैं, फैक्ट्री लाने में होते हैं, बहुत जानवर होते हैं। द रोज इसमें यहाँ पर सभी रोज की बात होगी कि सारे रोज क्या होते हैं, बहुत मीठे मानते हैं या बहुत अच्छे नहीं। ये रहा दूसरा यूज। अगला यूज देखते हैं द का यूज किया जाता है किसी यूनिक नाउन के साथ। यूनिक नाउन का मतलब है कि जो केवल एक ही है, जैसे अर्थ एक ही है, इसी वजह से हम क्या बोलेंगे द, सूरज एक ही है इसी वजह से हम क्या बोलेंगे द सन। ठीक है, इसी तरह से मून एक ही है तो मून बोलेंगे द मून, वर्ल्ड एक ही है तो इसी वजह से हम क्या बोलेंगे द वर्ल्ड। इसी को आ गया यूनिक चीज, यूनिक चीज वो चीज होगी जो केवल क्या एक संख्या में कितनी है, एक या इस दुनिया में केवल एक ही पाई जाती है, उसी को हम यूनिक कहेंगे। और जब जाहिर की बात है एक पाई जाएगी, एक ही पाई जाएगी, तो उसके बारे में हर कोई जानता होगा। जैसे सूरज एक ही है इसके बारे में हर कोई जानता है, दुनिया एक ही है इसके बारे में हर कोई जानता है, चांद एक ही है इसके बारे में हर कोई जानता है। अगला है द का यूज किया जाता है सुपरलेटिव के साथ। हम एडजेक्टिव में पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव दे चुके हैं, तो उसमें आपको बताया गया था जहाँ भी द आ जाए वहाँ पर आप क्या लगा दीजिए, सुपरलेटिव लगा दीजिए। जैसे ग्रांड ट्रंक रोड इज द लॉन्गेस्ट, यहाँ पर लॉन्गेस्ट जो है ये आपका क्या है, सुपरलेटिव है। कैसे पहचान की एस टी लगा हुआ है इसके साथ क्या यूज होता है, द लॉन्गेस्ट, द इस बारे से द बिगेस्ट, द लगाकर बोला जाता है। अगला है द इस आल्सो यूज बिफोर द नेम ऑफ, द का और यूज कहा जाता है किसी नाम के साथ, कोई समुद्र हो, सीज हो,
सी कहते हैं छोटे समुद्र को, ओशियंस कहते हैं बड़े समुद्र को। तो किसी भी समुद्र के साथ कर सकते हैं, गल्फ के साथ करते हैं जैसे द पर्शियन गल्फ, रिवर्स नदियों के साथ कर सकते हैं, माउंटेन रेंज माउंटेन रेंज के साथ कर सकते हैं, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हो, कोई ऐसी बिल्डिंग हो जिसका हिस्ट्री में काफ़ी महत्व होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंस हो, जैसे ताजमहल में ये क्या है हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स में आते हैं, इनके साथ भी हम कर सकते हैं। सम कंट्रीज एंड नेशनैलिटीज, किसी बहुत सारी कंट्रीज के साथ और नेशनैलिटीज के साथ भी, जैसे द यूनाइटेड किंगडम, द यूके, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, द यूएसए, द नीदरलैंड, द फ्रेंच, इन सब के साथ, द इंडियंस, इन सब के साथ द का यूज किया जाता है। उसके बाद जितने भी न्यूज़पेपर हैं उन न्यूज़पेपर के साथ भी द का यूज किया जाता है, हिंदुस्तान, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद जो रिलीजियस बुक है जैसे द कुरान बोला जाता है, द बाइबल बोला जाता है, द भगवद गीता बोला जाता है, द रामायण बोला जाता है। तो ये रहा आपका द का यूज। आगे भी दिया हुआ है कि द का यूज जब आप एडजेक्टिव के साथ करते हैं, द का यूज आप जब एडजेक्टिव के साथ करते हैं तो वो आपका कॉमन नाउन के रूप में फॉर्म हो जाता है और पूरे क्लास को दिखाता है। जैसे ऊपर ऊपर आपका एडजेक्टिव है लेकिन आप जब इससे पहले लगाते हैं अब ये का है नाम का, और जब ये नाम का काम करता है तो पूरी क्लास को दिखाता है, होल क्लास, होल क्लास मतलब सभी बड़े की बात हो रही है, सारे बड़े लोगों की बात हो रही है। जैसे सेंटेंस है द पुअर मस्ट बी हेल्प, गरीबों की मदद करनी चाहिए, यहाँ पर जो गरीब प्रोड्यूस हुआ है सारे दुनिया में जितने भी गरीब हैं उन सब के लिए यूज किया गया है, ठीक है। अगला है जैसे ओल्ड आपका एडजेक्टिव है इसके साथ दर्ज हुआ है द ओल्ड, तो यहाँ पर जितने बूढ़े हैं जितने ओल्ड हैं उन सबकी बात हो रही है, द ओल्ड मस्ट बी टेकिंग केयर ऑफ, हमें बूढ़े लोगों की देखभाल करनी चाहिए। उसके बाद अगला यूज आपका है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उनके साथ भी आप द का यूज करते हैं, जैसे पंडित रविशंकर प्लेड द सितार नॉन स्टॉप फॉर 10 आवर्स, यहाँ पर सितार म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है इसके साथ आपको द का यूज किया गया है। ही प्लेड ऑन द फ्लूट, फ्लूट भी आपका एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है इसके साथ भी आपका द यूज किया गया है, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ भी द का यूज किया जाता है। उसके बाद है द इज यूज फॉर डायरेक्शन एंड साइन, कोई भी डायरेक्शन में बताते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ उनके साथ भी द का यूज करते हैं और साथ ही साइड के साथ भी यूज करते हैं, जैसे राइट साइड लेफ्ट साइड और द राइट द लेफ्ट ये करके हम बोलते हैं। और लास्ट में आपका है द का यूज कंपेरेटिव के साथ किया जाता है, जैसे कैसे कंपेरेटिव द हायर वी नो द कूलर इट इज, यहाँ पर हायर जो है ये कंपेरेटिव वर्ड है कंपेरेटिव फॉर्म है इसके साथ द का यूज किया गया, इसी तरीके से कूलर है ये कंपेरेटिव फॉर्म है इसके साथ भी द का यूज किया गया। अगला जैसे सेकंड सेंटेंस विच इज द लॉन्गर, यहाँ पर लॉन्गर वर्ड है इसके साथ लॉन्गर कंपेरेटिव फॉर्म में यूज किया गया, इसके साथ भी आपका द का यूज किया जा रहा है। ये थे हमारे डिफरेंट आर्टिकल का, तो हम देखेंगे इसमें द का यूज किन किन चीजों के साथ किया जा रहा है। सिंपल तफर से बोल रहे हैं सारी चीज़ों के लिए हम द का यूज करते हैं जिन्हें के बारे में हम जानते हैं, जिनके बारे में हमें पहले से इंफॉर्मेशन होती है उन सारी चीज़ों के लिए हम द का यूज करते हैं। आगे हम देखेंगे कुछ एक्सेप्शन भी हैं जहाँ पर हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते, इन सारे आर्टिकल का इन सारे वर्ड्स हम देखेंगे अगली क्लास में। तो आज क्लास में ठीक है।